हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑटोमेशन ये क्या कीड़ा है, ठीक है। और ये ऑटोमेशन सुनने में ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन भी कभी हो सकता है क्या, बट जी हाँ, हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं आपके इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो क्या होता है ऑटोमेशन, कैसे ये काम करता है, कैसे बैकएंड में सारे सिस्टम चलते हैं, चलिए अपने गुरुजी से पूछते हैं। जी गुरुजी बताइए। देखिए, अगर हम बात करें ऑटोमेशन की, ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन काफ़ी टेक्निकल वर्ड लगता है। ऑटोमेशन कुछ ऑटोमेट हो रहा है ना, कुछ कुछ चल रहा है। अगर ऑटोमेशन ही हो रहा है तो भाई हम टॉप अचीवर क्यों नहीं है? तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑटोमेशन काफ़ी टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लिटरली हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को नेटवर्क मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब, ऑटोमेशन सिंपल सी वो बात है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि रिपीट बार बार रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो कि बार बार हो रही हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कोई और कर सकता है ना, तो क्यों ना किसी को दे दी जाए, भले वो एक टूल ही क्यों ना हो, ठीक है, भले वो एक एप्लीकेशन हो, ठीक है, क्यों ना एक बार का एफर्ट हमें, हम ये हमेशा एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि एक बार का एफर्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रिजल्ट देते। सो अभी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दिस इज़ रियल तरुण, ओके, मैं रियल तरुण इस टाइम पे लाइव, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मैं लाइव हूँ, बट जब आप इस यूट्यूब पे इस वीडियो को देखने वाले हो, एक्चुअली वो रियल तरुण नहीं है, ये डिजिटल तरुण है, ठीक है, विच मीन्स कि मैं अपने डिजिटल एवेटार बना रहा हूँ इस टाइम पे, डिजिटल एसेट्स बना रहा हूँ, और ये कंटिन्यूसली सिर्फ आप ही वीडियो को नहीं देख रहे हो, और भी कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये मेरी वीडियो कई सारे लोगों तक पहुंच रही है, ओके, सो विच मीन्स हम लोग डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जो डिजिटल एसेट्स लोगों तक पहुंच रहा है। और हर एक वीडियो में, हर एक हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे हम लोग एक कॉल टू एक्शन देते हैं कि क्लिक ऑन द लिंक बिलो, वॉच ओवर वेबिनार। वेबिनार एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग पहले मतलब हफ्ते में दो बार करते थे, फिर लोगों को इनवाइट करते थे, शाम को 7 बजे हो रहा है, उसमें एक मैनुअल एफर्ट लगता था। और मैनुअल एफर्ट क्या है कि वेबिनार में आपको पता है कि जब रिक्रूटमेंट का वेबिनार हो रहा होता है तो आपको एक हाई एनर्जी चाहिए, आपको एक मोमेंटम चाहिए, आपको एक प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर ऑडियो, सब चीज़ें, एक पूरा प्रॉपर माहौल चाहिए, ठीक है, तो सब कुछ चाहिए। तो उस केस में हर बार वो सेम माहौल नहीं बन पाता, हर बार सेम माइंडसेट नहीं बन पाता, सेम एनर्जी नहीं बन पाती है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम रिपीटेड लूप में डाल दें, एक जिसमें कि फीलिंग आए कि लाइव ही है लेकिन वो लाइव ना हो। ओके, ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया कुछ टूल्स के ऊपर, ऑटोमेशन टूल्स के ऊपर, जो कि लाइव वेबिनार का तड़का पूरा दे रहा है। तो हम एक पहला डिजिटल एसेट्स, जो कि हमारे लिए रेगुलरली हमारे लिए लीड जनरेट करते रहे, अपना डिजिटल अवतार बनाते रहते हैं। दूसरा, कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी है, जैसे एक तो हो गया वेबिनार जहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और दूसरा होता है कि प्री वेबिनार, मतलब वेबिनार से पहले नोटिफाई करना कि भाई वेबिनार एक घंटे में स्टार्ट हो रहा है, आधे घंटे में स्टार्ट हो रहा है, नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब प्री वेबिनार नोटिफिकेशन। दूसरा होता है पोस्ट वेबिनार फॉलोअप, ओके, तो पोस्ट वेबिनार फॉलोअप भी जो हो रहा है हमारी ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बस कुछ नहीं है, देखिए ऑटोमेशन कुछ नहीं है, बस रिपीटेड एक्टिविटीज़ को समझना और उन्हीं रिपीटेड एक्टिविटीज़ को एक ऐसे लूप में डाल देना जो कि ऑटोमेटिकली चलता चले जाए। तो हम लोगों ने कुछ टूल्स में इन्वेस्ट किया, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट किया है, और उसके थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। हाँ, अब एक चीज़ और भी है कि ऑटोमेशन हम क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अजीब सा लगता है, क्योंकि ये पीपल मैनेजमेंट बिजनेस है, इमोशनल बिजनेस है, लोग जब तक आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, लोग जब तक आपके साथ बिजनेस करने में उनको मज़ा नहीं आएगा, जब तक लोग टिकेंगे नहीं, लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल सी एक ही चीज़ करी कि लोगों को, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो लोगों को हमने, देखिए लोग एक ही वजह से टिकते हैं जब उनके पास कंसिस्टेंट रुपया आता है, तो क्यों ना हम उनको कंसिस्टेंट रुपये कमाने का एक ज़रिया दें। ओके, पूरा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग में ही करें, बट नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे इंजन को हिट करें जो कि है यूट्यूब। तो यूट्यूब भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, और उससे आदमी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग से। और डुप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने बनाए फनल्स, ठीक है, फनल्स। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डुप्लीकेट, जैसे एग्जांपल अगर मेरे अपलाइन है दीपक बोपट जी, तो मैं उनका डुप्लीकेट बन जाऊंगा तो वो सही नहीं है, ठीक है, मेरे डुप्लीकेट कोई और बन जाएंगे, मेरे डाउनलाइन है शुभम है सब लोग, तो सही नहीं है। तो वी ऑल आर इंडिविजुअल, ओके, और हम लोग किसी पर्सन का डुप्लीकेट ना बना के कुछ सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं, उसको बोलते हैं फनल्स, ठीक है। तो बस यही सब है, वेबिनार ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, प्री वेबिनार, पोस्ट वेबिनार फॉलोअप, और जो नोटिफाई करना है पर्सन को, रिपीटेड एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट कर दिया, और साथ ही में अपने डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं। और जो भी पर्सन टीम में आ रहा है उसको टीम को छोड़ना बहुत ही मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि जब वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करता है ना, और जब 500-600 सब्सक्राइबर बन जाते हैं, इवन 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसके घर वाले भी उसको बोलते हैं कि भाई तुम तो यूट्यूबर हो, और यूट्यूबर एक अच्छी फीलिंग आती है, और फिर बंदा और तेज़ यूट्यूब करता है, और तेज़ फनल को प्रमोट करता है, और तेज़ फनल को प्रमोट करता है, तो और ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी होती है, और जितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है उतने ज़्यादा और यूट्यूबर बनते हैं, तो सब चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, करेक्ट। सो यही है, इसी तरीके से हम लोगों ने किया। बाकी आपको
और डिटेल में अगर इसके बारे में समझना है ना, तो नीचे लिंक पे क्लिक करके हमारा एक वेबिनार देखिए, और उस वेबिनार के अंदर हम लोगों ने पूरा डिटेल में बता रखा है विद टेस्टिमनीज कि क्या रिजल्ट आ रहा है, किसी को रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं, कितना टेक्निकल है। इवन हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप टेक्निकल नहीं हो, तो क्या आप इसको कर सकते हो। यस, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, तो जो भी टेक्निकल चीज़ हैं वो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है तो नीचे हमारे वेबिनार को देखो, और देखने के बाद फिर डिसीजन लो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और हमारे साथ क्यों करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।